नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। वैसे तो मैं हमेशा ही प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, पर कई बार कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके उत्तर बहुत लंबे होते हैं, तब मैं उन विषयों को लेकर वीडियो बनाकर उत्तर देना ज़रूरी समझती हूँ और वीडियो में अच्छे से समझाया जा सकता है। पिछली बार मैंने मिट्टी में खाद मिलाने को लेकर एक वीडियो डाला था और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया, और कुछ उसी से संबंधित प्रश्न आए। उसमें एक प्रश्न ये आया कि मैंने जो कहा था कि आप हर साल 40%, 30% या 50% खाद ना डालें, बस 10% ही डालें, तो उस प्रश्न को लेकर किसी एक व्यूअर फ्रेंड ने मुझसे ये पूछा कि ये तो आप 10% बहुत कम बता रही हैं। और उन्होंने बहुत पोलाइटली ये भी कहा कि आप बुरा नहीं माने। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जब कोई शंका जाहिर करते हैं या आपके कोई प्रश्न होते हैं, तो इसमें बुरा मानने की तो बात ही नहीं है। हम एक दूसरे से सीखने सिखाने के लिए ही तो यहाँ आए हैं, तो बुरा कैसा मानना। उनको आपको ये लग रहा है कि 10% बहुत कम है, तो मैं अब बताती हूँ कि बिल्कुल कम नहीं है। वो इस तरह कम नहीं है कि जो मेरे व्यूअर फ्रेंड हैं उनको लगता है कि इस साल अगर मैंने 40% खाद मिलाई तो पौधों ने उस खाद को यूज़ कर लिया और अगले साल हमें फिर उतनी मिलाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता। मिट्टी जब समृद्ध हो जाती है, उसमें से फसल होती है, तो पूरे पोषक तत्व पौधा नहीं ले पाता। पौधा को जितना चाहिए होता है वो ले लेता है और बाकी का मिट्टी में बचा रहता है, और अगले साल हम उसमें फिर दोबारा 10% खाद भी मिला रहे हैं, सूखे पत्ते मिला रहे हैं, किचन वेस्ट मिला रहे हैं, तो हमें दोबारा 40-50% मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। आप मेरी भरी हुई छत देख रहे हैं, अगर मैं इस भरी हुई छत का 40% खाद मंगा कर मिलाने लगूँगी तो कितनी बोरी मुझे खाद लगेगी। तो सच मानिए, मैं इस मिट्टी को उलट देती हूँ, उलट पलट के धूप दिखा देती हूँ, अच्छी मात्रा में सूखे पत्ते मिलाती हूँ, हरे पत्ते मिलाती हूँ, किचन वेस्ट मिलाती हूँ, और दो चार बोरी पूरे छत के हिसाब से 4 बोरी, बहुत से बहुत तो 5 बोरी, नहीं तो 4 बोरी में पूरा साल निकल जाता है। और फिर मैं क्या करती हूँ उसमें कि जब भी किसी गमले को पलटा, जैसे अभी मैंने ड्रम पलटे हैं, तो पूरे ड्रम मेरे करीब मैंने 6-7 ड्रम पलटे और 7 ड्रम में मैंने 1 से 1.5 बोरी मिट्टी मिला दी, 10% भी नहीं हुआ वो तो। लेकिन मैंने सूखे पत्ते बहुत सारे मिलाए हैं, तो जो सूखे पत्ते आप हर साल अगर मिट्टी में मिलाते हैं या कुछ हरे पत्ते मिलाते हैं, तो वो मिट्टी में धीरे धीरे सड़ के खाद ही बन जाते हैं। और यदि आपके पास धान की भूसी होती है या गार्डन का जो गार्डन का वेस्ट निकलता है वो सारा होता है, तो वो भी एक अच्छे मैन्योर का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमारी मिट्टी में हम फसल लगाने के बाद जब उसकी देखरेख करते हैं, तो समय समय पर हम 1-2 मुट्ठी खाद भी डालते हैं उसकी जड़ों के आसपास, या कि हम सरसों की खली का लिक्विड मैन्योर बनाते हैं वो भी देते हैं। तो ये सब उसको लगातार मिलता रहता है। हम ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, हम लगातार उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल डाल रहे हैं, फिर हम जब एक फसल हो जाती है तो गमला पलटते हैं और फिर उसमें दोबारा से हम उसमें पत्ते मिलाते हैं। एक प्रश्न और आया था जो मैंने कहा था मैं कुछ बोरी मिट्टी नीचे ले जाती हूँ छत पे, तो ये भी मैं बिल्कुल सच है अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर फ्रेंड ने कहा था कि गमले में से कुछ मिट्टी होल में से झड़के चली जाती है और वो गमले में मिट्टी कम हो जाती है, तो ऊपर से जो हम मिलाते हैं तो मिट्टी एक्स्ट्रा नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, जैसे मेरे इतने बड़े बड़े ड्रम हैं और मैं हर साल 4 बोरी 4 बोरी मिट्टी बढ़ाऊंगी, तो धीरे धीरे केवल मिट्टी नहीं बढ़ा रही हूँ, पूरा गार्डन का गार्बेज पत्ते सब मिलके, किचन कंपोस्ट मिलके,
अब जब छत पर अभी मेरे मैंने 8 ग्राम को कटवाया है तो 16 मेरे पास कटे हुए हाफ कंटेनर है। इसके अलावा भी गोल वाले कंटेनर है। साल दर साल मैं देख रही हूँ कंटेनर बढ़ रहे हैं। एक लिमिट जब आएगी, जब सेचुरेशन हो जाएगा और मैं कंटेनर नहीं बढ़ा सकती, उसके बाद आपको नीचे उतारनी ही पड़ेगी मिट्टी कुछ। और हाँ, गमले में से नीचे से मिट्टी जाती है और वो मुश्किल से एक दो मुट्ठी जाती है, और वो एक दो मुट्ठी हम खाद डालते हैं। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, मैं एक्चुअली गार्डनिंग मेरे लिए एक पूरी यात्रा है, लाइफ स्टाइल है, तो मैं ये लंबे समय में मेरे साथ जो हुआ वो कह रही हूँ। आप अगर 1-2 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको मिट्टी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी बढ़ती है तो आप एक दो कंटेनर बढ़ा देंगे। लेकिन मैं कई साल से कर रही हूँ और साल दर साल करते हुए इतनी सारी मिट्टी हो गई मेरी, और ये भी हुआ कि मैंने और मिट्टी बढ़ाती गई, और लास्ट में ये स्टेज आई कि मुझे लगा मिट्टी बहुत है। आप देखिए यहाँ लगे हुए पौधे और फैली हुई मिट्टी भी आपको दिख रही होगी। तो ये बिल्कुल सच है कि अगर आप लगातार हर साल कंटेनर बढ़ाएंगे, खाद अगर 40% बढ़ाएंगे, तो मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि आप मेरे बताए अनुसार पहली बार 30 से 40% खाद मिलाएं, अगले साल आप उससे कम कर दें, 10% भी मिलाएंगे तो चलेगा, और फिर सूखे पत्ते मिलाते रहें, किचन कंपोस्ट मिलाते रहें, और मिट्टी आपकी अच्छी रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।